हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों आज हम आपको डेल वोस्ट्रो 15 3000 सीरीज में विंडोज इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डेल वोस्ट्रो 15 3000 सीरीज है जो i3 लैपटॉप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम आपको विंडोज कैसे इंस्टॉल करना बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक पेन ड्राइव। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास एक पेन ड्राइव जो बूटेबल है, जिसमें विंडोज 10 पहले से इंसर्ट की हुई है। तो यहाँ पर हम इसे किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है। और उसके बाद लैपटॉप को ऑन कर लेना है और F12 बटन को लगातार प्रेस करना है। यहाँ पर आप मेरे स्टेप फॉलो करते जाइए और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको जाना है UEFI मोड पर और पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये UEFI बूट है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्क्रीन जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तब आ जाती है और उसके बाद ये स्क्रीन अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे स्टेप फॉलो करते रहिए और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज 10 का सिंबल आ गया है। उसके बाद आगे की प्रोसेस पूरी करते रहिए और आसानी से विंडोज इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा ही इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको कंडीशन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये देखिए, जिस पार्टीशन में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है उस पार्टीशन को पहले से रिनेम कर लें। अगर आपने रिनेम नहीं किया है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मेरी जो सिस्टम है, मैं यहाँ पर सभी ड्राइव फॉर्मेट करूँगा और डिलीट करूँगा। पहले डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेट करूँगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी ड्राइव में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है सिर्फ उसी ड्राइव को फॉर्मेट या डिलीट करनी है। यहाँ पर आप देखिए, मेरे केस में मुझे जो है विंडोज इंस्टॉल करनी है और मैं यहाँ पर पहले सभी ड्राइव को डिलीट करूंगा, उसके बाद फिर से रीजनरेट पार्टीशन करूंगा और फिर विंडोज इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद ही पार्टीशन जनरेट होंगे। तो यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। देखिए मैंने डिलीट कर दिए हैं, लगभग सभी पार्टीशन मैंने डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद मैं एक न्यू पार्टीशन जनरेट करूंगा। न्यू पार्टीशन जनरेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ से जो पार्टीशन है उसे फॉर्मेट कर लेना है। जो MB में पार्टीशन होगा उस पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेना है और जो GB में होगा उसमें विंडोज इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ये न्यू पार्टीशन फिर से जनरेट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से न्यू पार्टीशन जनरेट कर लिया और उसके बाद मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद आप देखेंगे, हम यहाँ पर अपना विंडो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर मैंने जो पार्टीशन जनरेट किया है मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस आप फॉलो करते रहिए और बड़ी ही आसानी से आप विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you.